गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर में चौथी जो पद्धति है शिक्षा की वो समझेंगे। उसमें आपको स्किनर का कारक अभिसंधान का प्रयोग समझना है। रूस शरीरशास्त्री पावलोव जैसे ही पावलोव की तरह ही शास्त्रीय अभिसंधान का जिन्होंने प्रदान किया, उसी प्रकार B.F. स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक ने, यहाँ अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मनोविज्ञान को कारक या क्रियात्मक अभिसंधान के रूप में उसकी मूल्यवान उन्होंने भेद दी। कारक अभिसंधान में जो शास्त्रीय अभिसंधान से थोड़ा उसकी विचार श्रेणी अलग दिखाई देती है। शास्त्रीय अभिसंधान में प्राणी कोई भी प्रतिक्रिया न करे तो भी उसको प्रबलन का अधिकारी बनता है, पर यहाँ शास्त्रीय अभिसंधान जो है उससे अलग है और उसको प्राप्त होता था प्रबलन कहा कोई भी क्रिया न करे तो भी, पर यहाँ कारक अभिसंधान में प्राणी स्वयं को निश्चित प्रतिक्रिया करे, यानी कि कोई क्रिया करे तो ही उसे प्रबलन का अधिकारी वो बनता था। इस तरह प्राप्त जो होने वाली शिक्षा में प्राणी के कारक व्यवहार के ऊपर भार देने से कारण उसे कारक अभिसंधान भी कहते हैं, यानी जो क्रिया करता है तो ही उसे प्रबलन दिया जाता है, इसीलिए कारक अभिसंधान कहते हैं। इस प्रकार के अभिसंधान में प्राणी को प्रबलन प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्ता के द्वारा पहले से निश्चित की गई निश्चित प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, यानी प्रयोगकर्ता है उसने निश्चित किया है कि प्राणी ये क्रिया करेगा तो ही उसको प्रबलन दिया जाएगा, यानी कि यहाँ आगे अपने समझेंगे कि प्रयोग में कि क्या करना है तो ही ये क्रिया के बाद भोजन प्राप्त होगा या अन्न प्राप्त होगा। तो इसमें अभिसंधान को क्रियात्मक अभिसंधान के रूप में भी उसे पहचाना जाता है। आपको आगे प्रयोग में दर्शाया है, तो ये प्रयोग में आपको B.F. स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक है, उनके मत अनुसार प्रबलन देने से प्राणी मनुष्य के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन किया जा सकता है। यानी आपको मम्मी को कुछ काम करवाना हो तो मम्मी छोटे बच्चों को क्या कहती है, जाओ ये काम कर दो तो आपको मैं ये दूंगी, मोबाइल खेलने दूंगी। अभी तो ये ज़माना आ गया है मोबाइल खेलने का कि इतना घंटा ये काम कर लो, इतना पढ़ लो तो आधा घंटा मोबाइल खेलने दूंगी। तो ये क्या हुआ, मोबाइल खेलने देना वो प्रबलन हुआ। तो इच्छित व्यवहार, इच्छित व्यवहार मीन्स कि पढ़ने के लिए मम्मी पापा बोलते हैं कि ये करो तो वो ये मम्मी पापा की इच्छा होती है कि ये सब बच्चे करें, तो आपको ये प्रबलन हुआ। पहले क्या था, चॉकलेट या कुछ भी बच्चों को पसंद हो खाने का ऐसा देते थे, पर अब क्या है, ज़माना बदल गया है, तो क्या हुआ, मम्मी पापा अपनी इच्छित व्यवहार करवाने के लिए आपको ये प्रबलन देते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। इस मान्यता को प्रायोगिक रूप से परखने के लिए उन्होंने क्या किया, समस्या पेटी की रचना की, जिसे स्किनर पेटी के रूप में भी उसे जाना जाता है। इस समस्या पेटी की विशेषता यह थी कि उसमें अन्न गुटी का संचय पेटी एवं पेटी के नीचे की ओर आए हुए हत्थे को एक तार से सरिये से उस तरह जोड़ा जाता है कि प्राणी जब हत्था दबाता है तब अन्न गुटिका में अन्न प्राप्त होता है। यानी यहाँ आपको आकृति में दर्शाया उस तरह से दिखता है कि ये डिब्बे में से जब हत्था दबता है ये, तो अन्न गुटिका उसको मिलती है, तो खुराक उसको अंदर ही मिल जाता है। तो ये ऐसी रचना की उन्होंने। तो इस समस्या पेटी में क्या किया, उन्होंने अन्न गुटिका में अन्न मिले उस तरह से ऐसी रचना करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस घटना में भूखे चूहे को किस पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर। चूहे ने प्रारंभ में पेटी में से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, पेटी में दौड़ा, सरिया पर पंजे से चीरा मारना, दांत से काटना जैसी क्रियाएँ वो करने लगा। फिर बाद में वो उसने जो क्रिया ऐसी सभी क्रियाओं का उसने प्रयत्न किया, पर वो अनेक क्रियाओं के दौरान उस ये जो क्रिया करते करते उसका अचानक चूहे से अन्न गुटिका प्राप्त करने का हत्था दब गया। ये पेटी में इधर उधर घूमते उसने बहुत प्रयत्न किया बाहर निकलने के लिए, पर अचानक उससे क्या हुआ, जहाँ से अन्न मिलता है उसके लिए जो व्यवस्था की गई थी वो तो अन्न गुटिका प्राप्त करने का हत्था दब गया। चूहा इस यंत्र की रचना से परिचित नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि यह दबाऊंगा तो मुझे खुराक मिलेगा या अन्न गुटिका मिलेगी, अन्न प्राप्त होगा ऐसा उसे पता नहीं था।
बेखबर होने से उसे अन्नकुटिका पात्र में अन्नकुटिका है ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, परंतु थोड़ी देर के बाद उसका ध्यान अन्नकुटिका की तरफ जाने से उसने अन्नकुटिका खाई। उसको ऐसा नहीं पता था कि वो ये दबा है तो खोराक उसको अन्नकुटिका पात्र में पड़ा है तो मैं खा लूँ, ऐसा मालूम नहीं था। पर अचानक उसका ध्यान उसी ओर गया और बाद में उसने खाया। चूहे के द्वारा होने वाली यह प्रतिक्रिया जो थी वो आकस्मिक थी, उसने कोई सीखा नहीं था, वो चूहे का इस विषय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी उसने, तो इससे उसे पुनः समस्या पेटी में से रखने के पर वो बाहर निकलने का व्यर्थ प्रयास करने लगा और उसी दौरान फिर से अचानक हत्था दब जाने से अन्नकुटिका प्राप्त हुई। फिर से उसको बाद में रखा तो भी वही क्रिया करने लगा, फिर बाद में अचानक यही क्रिया उसको हुई कि अन्नकुटिका मिली। प्रथम अन्नकुटिका चूहे को पेटी में रखने के 15 मिनट के बाद प्राप्त हुई थी, जबकि दूसरी अन्नकुटिका पेटी में दूसरी बार जब रखा तब तो 35 मिनट में, अर्थात प्रथम अन्नकुटिका के 20 मिनट बाद प्राप्त हुई। उसके बाद 47 में तीसरी, चौथी अन्नकुटिका पेटी में रखने के 71 मिनट के प्राप्त हुई। इन चारों प्रयासों में हत्था दबने के बाद चूहे को समझ में आया कि अन्नकुटिका हत्था दबाने से अन्नकुटिका प्राप्त होती है। इससे बार बार हत्था दबा कर चूहा अन्नकुटिका प्राप्त करने लगा। उससे हत्था दबाने की क्रिया एवं अन्नकुटिका प्राप्त करने का अभिसंधान दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से उसे प्राप्त की था कि शिक्षा का निर्देश करता है। यानी चार बार उसने प्रयत्न किया, पहले कब हुआ 15 मिनट में, फिर बाद में कहाँ हुआ 35 मिनट में, यानी 15 के बाद दूसरी प्लस करो 15 मिनट या सॉरी 20 मिनट, यानी उसके बाद 20 मिनट में धीरे धीरे समय, यानी इस तरह से उसने उसमें ऐड होता गया कि इतने मिनट के बाद 15 मिनट, फिर 35 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 47 मिनट। तो इस तरह से उसने फिर बाद में 71 मिनट के बाद उसको पता चला कि वो प्रयोग में ये हत्था दबाने से उसको खुराक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उसको जो स्पष्ट रूप से पता चल गया कि अन्नकुटिका प्राप्त करने से अभिसंधान उसका दिखाई देता है धीरे धीरे, तो उसने शिक्षा प्राप्त निर्देश कर लिया। इस तरह समस्या पेटी के बंद किया गया भूखा चूहा समस्या पेटी से बाहर निकलने के जो व्यर्थ प्रयास करता था, करते करते उसका हत्था दब जाने से उसके भोजन प्राप्त हुआ, जिससे भूख की प्रतिक्रिया को प्रबलन प्राप्त हुआ तथा प्रबलन प्राप्त होने से चूहे की प्रतिक्रिया का दृढ़ीकरण हुआ, यानी वो बाहर निकलने का प्रयास करता था, अचानक से उसको हत्था दब जाता, खुराक मिलता था, तो क्या दृढ़ीकरण हुआ, उसको दिमाग में फिट हो गया कि ये दबाऊंगा तो मुझे खुराक मिलेगा, तो ये उसने सीख लिया, प्रबलन मिला, इसीलिए उसने बार बार फिर उसके लिए दृढ़ हो गया कि खाना हो, भूख लगे तो ये दबाना है और खा लेना है, तो उसके अंदर ये दृढ़ीकरण हुआ। उसके आधार पर मूलभूत जो विचार है उसका स्पष्टीकरण यहाँ करना है, ये प्रयोग के आधार पर, वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाती हूँ, समझाती हूँ, सॉरी।